क्या समय आ गया है, घोषित आतंकवादी आपके राष्ट्रीय चैनल पर आकर के खुलेआम यह स्वीकार करता है कि हम आपके सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार संपर्क में हैं, खुलेआम भारत की धरती पर आतंकवादी हमले करने की चेतावनी देता है। उन सारे आतंकवादियों के चेहरे आपको नहीं दिखते हैं, उन पर आरोप, उनके खिलाफ सबूत आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन महज साल भर के भीतर आरोप ढूंढ लेते हैं कि भारत दूतावास में काम करने वाला सीनियर ऑफिसर आपके नागरिक की हत्या में शामिल होता है। वो नागरिक कहने को तो नागरिक है, लेकिन एक घोषित आतंकवादी होता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कनाडा की, और अब कनाडा उल्टे, जिसको कहते हैं उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, कुछ वैसा ही हालत कर रहा है। I5 के पास जा रहा है, G7 के पास जा रहा है, गुहार लगा रहा है कि भारत पर प्रतिबंध लगाइए, भारत पर दबाव डालिए ताकि हमारी जांच में सहयोग करे। मतलब इस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन खासतौर से कनाडा के साथ तो आदमी कतई स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है ऐतिहासिक स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर भारत और कनाडा के रिश्ते पहुंच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री के इस जुनून की वजह से कि किसी भी कीमत पर हमें चुनाव जीतना ही। अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए भारत की तरफ से, कनाडा क्या कदम उठाएगा, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। पिछले साल सितंबर से भारत और कनाडा के बीच चल रही राजनयिक तनातनी अब उबाल पर आ गई है। हाल में कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 राजनयिकों को कनाडा में चल रही एक जांच के दायरे में बताते हुए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में डाल दिया। बदले में भारत सरकार ने कनाडा के हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर और 5 अन्य राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, और सुरक्षा का हवाला देकर संजय कुमार वर्मा और उनके स्टाफ को औपचारिक तौर पर वापस बुला लिया। भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार, हास्यास्पद और चुनावी फायदे के लिए ट्रूडो सरकार की एक राजनीतिक चाल बताया। भारत सरकार ने कहा है कि ट्रूडो सरकार बिना सबूत निराधार आरोपों के जरिए भारतीय राजनयिकों को बदनाम करना चाहती है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि उनकी एजेंसियों के पास ठोस सबूत हैं। They have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. भारत और कनाडा के बीच तनाव का ताज़ा दौर शुरू हुआ 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के साथ। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सर्रे में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा कि हत्या के पीछे भारतीय खुफिया तंत्र का हाथ है और इस बात के पक्के सबूत हैं। निज्जर को भारत सरकार ने 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया था। ट्रूडो के आरोपों को भारत सरकार ने तब भी निराधार बताया था, लेकिन कनाडा ने पूरा मामला पहले अमेरिका को बताया और अब I5 और G7 देशों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने मामले को गंभीर माना है और भारत से सहयोग की अपील भी की है। सवाल उठता है कि ट्रूडो का भारत के खिलाफ इतना आक्रामक रुख क्यों है। कनाडा में अगले साल चुनाव है और ट्रूडो फिलहाल राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। माना जा रहा है कि खालिस्तान समर्थकों का वोट हासिल कर जो अभी आपने देखी तस्वीर इस रिपोर्ट में, उससे एक बात तो साफ है कि बिल्कुल निराधार तरीके से सिर्फ ये कोशिश है कि जितना जोर शोर से हम आरोप लगा सके भारत पे लगाएं। गंभीर आरोप की तो बात करते हैं, नहीं, कोई सबूत देने में अब तक नाकाम रहे। भारत सरकार लगातार सबूत मांगती रही, लेकिन वो सबूत अब तक मिला नहीं, और अब चुनाव महज एक साल में होने वाला है, और जस्टिन ट्रूडो की हालत क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक रिसर्च रिपोर्ट में देख रहा था, जो वहाँ के सबसे, दुनिया के सबसे, तीसरी सबसे बड़ी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है, उसने एक न्यूज़ चैनल के लिए सर्वे किया, तो उसने पाया कि सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो लिबरल को वोट करने के पक्ष में हैं। 28% कैनेडियन मानते हैं
कि लिबरल पार्टी चुनाव में बेहतर कर सकती है बशर्ते कि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे दें। मेरा सवाल शिवकांत शर्मा जी आपसे होगा, क्या इस रिपोर्ट की हकीकत से जस्टिन ट्रूडो वाकिफ हो चुके हैं और इस वजह से ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं भारत पे? देखिए, वाकिफ तो वो आज से नहीं, पिछले 2 साल से हैं। वो दूसरा विश्वास मत अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं, और एक तरह से उनकी सरकार अल्पमत में है, तो उन्हें हार तो साफ दिखाई दे रही है। आपने केवल लिबरल पार्टी के सर्वे के बारे में बताया, लेकिन जो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी है उसको उसके पक्ष में 40% के आसपास लोग हैं। तो जब आपके दोनों ही पक्ष मिला लें तो एक 28% है, एक 26% है, तो 42% उससे तो ज़्यादा है। इसलिए हार तो उन्हें साफ दिखाई दे रही है। तो ये एक कारण है, लेकिन दूसरा एक कारण मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों इन्होंने घोषणाएं की, पिछले साल जो पहली बार आरोप लगाए थे उससे एक दिन पहले जो है ग्लोबन वर्ल्ड एक समाचार पत्र है कनाडा का, उसके हाथ एक रिपोर्ट लगी थी, और वो रिपोर्ट चीन के दखलंदाजी के बारे में थी, किस तरह से कनाडा के चुनाव में चीन ने पैसा लगाया और दूसरी तमाम तरह की जो मतलब उसके पास साधन है उनका प्रयोग करते हुए 10 से 11 लिबरल पार्टी के जो सांसद थे वो उसकी वजह से जीते थे और 9 कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की हार हुई थी। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। इससे पहले के अखबार ये छाप पाता इन्होंने शिगोफा छोड़ दिया और एक तरह से मोर्चा खोल दिया भारत के खिलाफ। आज भी देखिए, ये जो इन्होंने अभी अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब सारी बातें निकल के आ रही हैं, कल इनको पेश होना है कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रही एक संसदीय समिति के समक्ष, और वहाँ इनकी क्या कली खुलेगी ये तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये बता रही है कि ये केवल इनका चुनावी खेल नहीं है, इसके पीछे मुझे लगता है चीन की ताकत भी काम कर रही है, और क्योंकि चीन का हाथ है तो पाकिस्तान के हाथ होने से आप इनकार नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान का हाथ भी है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान और चीन ने मिल करके एक नया पाकिस्तान फ्रंट कनाडा में खोल दिया है, जो भारत के लिए वाकई चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है, और आप पाकिस्तान की बात आप नहीं कह रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे वहाँ के खुद कनाडा के इंटेलिजेंस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि कनाडा के नीतियों में पाकिस्तान का दखल यहाँ पे रहा है पिछले कुछ सालों से। और आपने चीन की बात कर दी, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लगता है कि इसको भी जनता की नज़रों से ओझन करने की कोशिश यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो की चल रही है। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं, IDSA में यूरोप और यूरेशिया के एसोसिएट फेलो स्वास्ति राव, और द न्यू इंडियन कैडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह, और साथ में एक पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक वोहरा साहब भी जुड़ेंगे, तो उन सब से चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं चलता हूँ यहाँ पे आपके पास जो IDSA में यूरोप और यूरेशिया के एसोसिएट फेलो हैं स्वस्ति राव। स्वस्ति, ये क्या लगता है, ये जो पूरा चीन पाकिस्तान का मामला, और चूंकि आप जा रहे हैं I5 के पास और G7 से मांग कर रहे हैं, और सबसे कह सकते हैं कि दुख की बात यह है कि बगैर जमीनी हकीकत को समझे हुए वहाँ से बयान आता है UK से भी कि भारत को इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए, USA की तरफ से कुछ इसी तरह के बयान आते हैं, ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी के स्तर पर ये सही नहीं है। जी, तो आप सबको मेरा नमस्कार। और लक्ष्मण जी, बिल्कुल मैं आपकी इस चर्चा को सुन रही थी, और इधर कुछ दिनों से हम लोग बार बार इसी को के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें 2-4 बातें। पहली बात तो ये कि इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो का जो ये एक डेस्परेशन हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से जो शुरू से एक हाई हैंडेड जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जो कतई किसी भी तरीके से ना गरिमामयी है ना डिप्लोमेटिकली वेल प्लेस्ड है, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने उद्घोष किया है, इस बात का कोई सरपैर नहीं है।
अलावा इसके कि वो अपने डोमेस्टिक वोट्स को वहां साधने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बारे में सारे समीकरण हमको पता है कि कौन से उनके कोलिशन के पार्टनर्स हैं, वो खालिस्तानी हैं, और वो क्यों उनको इतना खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो जो डोमेस्टिक रेटिंग्स है, अप्रूवल रेटिंग्स है, इस समय ऑल टाइम लो पर है। और अगर आप, मैं आपको बहुत ताज़ा आंकड़ों के बारे में भी बताऊं, तो तकरीबन केवल 30% कैनेडियंस हैं जो एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो को कहीं सपोर्ट करते हैं, और बहुत बड़ी मेजोरिटी उनकी है जो उनको सपोर्ट नहीं करती। और ये एक आम राय है, अगर आप किसी कनाडा में किसी को जानते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि कैनेडियंस कैन नॉट स्टैंड जस्टिन ट्रूडो एनी मोर। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ बात आती है कैनेडियन स्टेट की और भारत की। और देखिए, मेरा इसमें मत ये है कि यहाँ पर हमको एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हमको टर्मोइल दिख रहा है, वो ये कि एक तरफ देखिए कैनेडा में जस्टिन ट्रूडो तो जाएंगे, फिर एक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनेगी। अब सरकार बन जाने मात्र से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये भी हम जानते हैं कि अभी अजीत डोवाल साहब जो हैं वो मिल रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो डिप्लोमेटिक बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। ट्रूडो के से ज़्यादा हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इंडिया की कम्युनिटी कितनी बड़ी है। ये सिख खालिस्तानी तो बहुत ही छोटा सबसेट है, उससे ज़्यादा कई लाखों की संख्या में वहाँ पे सिख कम्युनिटी है इंडिया की, जो वहाँ के इकोनॉमिक मैं कहूँगी कि जो फ्रेमवर्क के लिए इतनी ज़रूरी है। और उसके अलावा जो लाखों स्टूडेंट्स हैं इस वक्त हिंदुस्तान के जो लोग हैं, भारतीय हैं, वो वहाँ पे सबसे बड़े कम्युनिटी है, यहाँ तक कि चाइना से भी बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी है यू नो कनाडा में। तो हमको इन सारी बातों के मद्देनजर मुझे लगता है कि एक परिपक्वता का प्रदर्शन करना जो है वो लाजमी है। और इस परिपक्वता से मेरा मतलब ये है कि जो लार्जर कन्वर्जेंस है कि भाई इंडो पैसिफिक में क्या स्ट्रैटेजी अनफोल्ड करेगी, और इसके लिए हमें अभी से कोशिशें जरूर जारी रखनी चाहिए। जहां तक भारत का देखिए स्टैंड है, उसमें हमने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि आप हमको यू कैन नॉट टेक अस फॉर अ राइट, है ना। अगर आप ये सोचें कि आप इस तरह से बिना एविडेंस दिए और ऐसे हमारी भर्त्सना करेंगे, तो इसके लिए वी आर नॉट रेडी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना जरूरी है कि मैथ्यू मिलर ने जब कहा, ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना होगा अपने मित्र राष्ट्रों के सामने कि हमारा जो इस पे पूरा अप्रोच क्या है। तो मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेटिक बना रहे, इसमें इकोनॉमिक यू नो रिलेशंस है, और हमें वी हैव टू लुक फॉर अ पोस्ट ट्रूडो सॉल्यूशन। ट्रूडो के रहते तो देखिए इसमें सॉल्यूशन आना संभव नहीं है, वो एक न्यूसेंस मेकर है और एक रिपीट ऑफेंडर है। बिल्कुल, इस पे भारत का रुख क्या होना, भारत का रुख क्या होना चाहिए, भारत का रवैया क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग आगे शो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं आरती टिक्कू सिंह के पास। आरती, मेरा सवाल ये है कि जो अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने जो बातें कही, इसमें एक चीज़ ये उठता है कि पहले वाली स्थिति अब रही नहीं। पहले इंडियन डायस्पोरा में वहाँ पे सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, हावी थे। एक ज़माना था जब अलगाववाद की बात करना कई लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन अब वहाँ पे देखिए तो साउथ इंडियन के लोग भी हैं, गुजरात के लोग भी हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग भी वहाँ पे हैं, और वो लोग डेवलपमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह के लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो का ये जो हथियार है कि हम भारत पर आरोप लगा करके हम उस वोट बैंक को जीत लेंगे, वो कितना सफल हो पाएगा? देखिए, जितने भी वक्ता भी थे, मैं उनके साथ एग्री करती हूँ कि जस्टिन ट्रूडो के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक कंपल्शंस है। साथ ही साथ ये भी सच है कि यूएस और कनाडा ने खालिस्तान मूवमेंट को पिछले 40 साल से पाल के रखे हैं। आपको याद होगा कनिष्का बॉम्बिंग जो हुई 1985 में, 300 से ज्यादा लोग मारे गए उसमें, कैनेडियन सबसे ज्यादा लोग उसमें कैनेडियंस थे, और वो बबर खालसा ने वो बॉम्बिंग की थी। तो कनाडा ने उस सारे केस को दबाया, उस केस के बारे में आज तक कोई कन्विक्शंस नहीं हुई, उस केस के जो खालिस्तानी इन्वॉल्व थे उनके बारे में कभी कोई बात नहीं होती। जस्टिन ट्रूडो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो निज्जर की है बात है वो उठाएंगे। और लगातार जो जितने भी इल्जाम उन्होंने लगाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, उसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि जो जिस तरह से सिख, आपने सही बात कही कि जो सिख सेपरेटिज्म की जो पकड़ थी डायस्पोरा में वो कमजोर होती गई, क्योंकि पिछले 40 साल में और भी सबसेट्स है, गुजराती लोग हैं, बंगाली है, टेमिलियंस है, बहुत सारी और कम्युनिटीज है
इंडिया से जो वहां गई है एज इमिग्रेंट्स और रह रहे हैं और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस वक्त जिस तरह का रुख अपनाया है ट्रूडो ने, इनफैक्ट जब से वो आए हैं पावर में जिस तरह की हॉस्टिलिटी उन्होंने दिखाई है, लगातार उन्होंने खालिस्तानी के साथ वो खड़े रहे, उनका वोट बैंक है, जब इंडिया आए थे यहाँ पे भी उनको तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पंजाब के, उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा था ये कह के कि हमारे यहाँ ये मत करो और खालिस्तानियों को सपोर्ट मत करो। तो ये एक कंप्लीटली बायपार्टिजन व्यू है इंडिया में, क्योंकि खालिस्तान का मूवमेंट पंजाब में जिंदा नहीं है, यहाँ पे कोई रिवाइवल नहीं है, कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है खालिस्तान मूवमेंट के लिए या खालिस्तान सेंटिमेंट के लिए। और वही मैं कहूंगी इंडियन कम्युनिटी जो नॉर्थ अमेरिका में है उनमें कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं है बैंड लार्ज, लेकिन इनके जो बाड़े के जो टट्टू है जो खालिस्तानी रखे हैं उन्होंने, उनके लिए ये उठ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ इतनी सी बात है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जस्टिन ट्रूडो के लिए। मुझे लगता है उससे ज्यादा एक बड़ा इशू है कि इंडिया जो है पिछले 30 साल में इंडिया एक राइजिंग पावर है, एक इमर्जिंग पावर है, और वो अपनी कहीं ना कहीं असर्ट कर रहा है अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो फॉरेन पॉलिसी में बना के रखी है। इनफैक्ट वही हमारा इंडिया की यूएसपी हमेशा हिस्टोरिकली भी वही रही है कि हम लोगों ने मैं इस बात को खत्म करना चाहती हूं। आरती आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी क्या ने, हाँ प्लीज कि जो कि हम मल्टीपोलैरिटी में यकीन करते हैं, हम दुनिया में अपनी से रखेंगे और अपने टर्म्स पे रखेंगे, कोई हमें अपने टर्म्स डिक्टेट करे वो पुरानी बात थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त हम एक संघर्ष से निकल रहे थे अब, लेकिन हमारे पास भी जो है कॉन्फिडेंस है कि हम खुद के बलबूते पे कुछ कर सकते हैं, खुद के बलबूते पे हम लोगों ने बहुत कुछ किया है पिछले 40 साल में। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो इंडिया ने रशिया को लेकर दिखाई, जो इसराइल और गाजा में जो वॉर हुआ है वहां दिखाई कि हम किसी के टर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, नहीं चलेंगे, जहां पे हमारा इंडिया का इंटरेस्ट होगा हम उसको लेकर चलेंगे। और ये ऑफकोर्स यूएस और जो फाइव आईज है, यूएस, कैनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इन कंट्रीज को बिल्कुल, और यूके ऑफ कोर्स, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह का एग्रेशन ट्रूडो कुछ नहीं है, ही इज अ पपेट, वो तो पपेट है, वो तो सैटेलाइट स्टेट, वैसे भी कनाडा जो है यूएस की सैटेलाइट स्टेट है, तो वो अपने मास्टर्स की के स्पोक्सपर्सन है, उनके पास ये मत समझिए कि कोई बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है या बहुत ज्यादा उनके पास फ्रीडम है कि वो कोई स्टैंड ले सके अपने आप में, ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में वो ये इशू जो है सिर्फ इतना है कि इंडिया की इमर्जिंग पावर लोगों को, सुपर पावर्स को चुभ रही है। बिल्कुल, इस पे मैं आगे आपसे बात और करूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से भारत उभरा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, भारत को दरकिनार कर पाना उतना आसान नहीं होगा। दीपक वोरा साहब, आप कई देशों में रह चुके हैं, वहाँ पे भारतीय राजनीति को अच्छे से देखा है आपने, आपको क्या लगता है जस्टिन ट्रूडो की ये जो कोशिश है कि I5 को हम अपनी तरफ कर लें, G7 को अपनी तरफ कर लें, भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाने की बात कर लें, ये कितने सफल हो पाएंगे जस्टिन ट्रूडो? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने पर, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जब डॉक्टर राव और डॉक्टर आरती रहती हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मेरी जरूरत नहीं है, इनकी जानकारी बेमिसाल है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया। मैं शुरुआत करता हूँ बाय बीइंग चैरिटेबल टू जस्ट आउट ट्रूडो। आपको मालूम है कि इसको 2 बार चाइनीज वायरस का दौरा पड़ा था, बीमार पड़ा था, और अब विशेषज्ञों ने ये एस्टैब्लिश किया है कि 2 बार जिसको होता है, फिर लॉन्ग कोविड से पीड़ित, लॉन्ग कोविड का पीरियड का मतलब होता है ब्रेन एनसेफेलोपैथी, ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, इस आदमी का दिमाग कमजोर हो चुका है। ये है चैरिटेबल व्यू बीमारी के कारण। दूसरा है
किसी भी नेता को सर, और आपको भी, मुझे भी, डॉक्टर टिक्कू को भी, डॉक्टर स्वाति राव को भी, हम सब के लिए दो चीजें होती हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दूसरा होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो जगमीत सिंह था जिसके आधार पर ये उछलता था, क्या बोला उसने जब उसने अपना समर्थन वापस लिया, उसने कहा जस्टिन ट्रूडो तू चोर है, तू भ्रष्ट है, तू नपुंसक है, और ये क्या बोलता, हाँ जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, कल मैं आग पे जूते फिर से पॉलिश करूंगा। आत्मसम्मान कहां गया? और फिर आत्मविश्वास। सर मैं जब पोस्टेड था यूनाइटेड स्टेट्स में, उस एरिया में बहुत समय रहा हूं, कोई भी समस्या होती थी हमारे पड़ोसियों के साथ तो हम जाके शिकायत करते थे, इसको करते थे, उसको करते थे, इसको, अरे मम्मी इसने मुझे मारा। ये जमाना दौर चला गया है भारत से, कनाडा से नहीं गया है। हम अपने पार्टनर से बात करेंगे, अपने एलाइज से बात करेंगे, क्यों भाई तू अकेला नहीं भिड़ सकता मेरे साथ, अगर ताकत नहीं है बाहरों दूसरों के पास क्यों जाता है। और G7 की सर आप बात कर रहे हैं, जाओ ना G7 को बर्बाद करो, क्योंकि हमारी तरफ तो ब्रिक्स है सर, हमारी तरफ तो G20 है सर, अभी SCO की मीटिंग, हम कभी ये मुद्दे नहीं उठाते क्योंकि हमारे पास वो आत्मविश्वास है। और G7 में किसकी बात कर रहा है? अमेरिका तो कहता है कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हो स्टेट डिपार्टमेंट भारत पे प्रेशर डालता है, बाकी कोई इसको भाव नहीं देता। तो मैं तो आप एक सच्ची बात बताऊं सर, इट माइट अम्यूज यू, और करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, न्यूयॉर्क में UN बिल्डिंग में जब एक बार मुझे मौका मिला डिनर खाने के लिए, तो किसी ने मजाक से कहा भाई निकलो निकलो, वो कनाडा की विदेश मंत्री आ रही है, वो सबको इकट्ठा करके ब्रीफिंग कर देंगे कि भारत ने क्या किया, मजाक बना रखा है लोगों ने। दिस मैन हैज बिकम द क्लाउन ऑफ कनाडा, द क्लाउन ऑफ द यूनिवर्स। अब कहता है मैं प्रतिबंध लगाऊंगा भारत पे, आपने उसका नाम सुना है सर, वो द क्लाउन ऑफ कीव, क्या नाम है उसका, ज़ेलेंस्की, उसने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए 50 साल के लिए, अब वो रूस पे प्रतिबंध, फिर अमेरिका पे लगाएगा। This man has lost his marbles, अंग्रेजी में जो कहते हैं, और जितनी जल्दी ये कनाडा से चला जाता है, कहीं जाके नॉर्थ कोरिया में जाके बस जा, जो भी करना है उतना कनाडा के लिए अच्छा होगा। सर 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, बायलैटरल रिलेशनशिप बनाने में कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, बर्बाद करने में 1 साल लगता है, जो इस आदमी ने किया है। ही विल बी रिमेम्बर्ड एज सबसे गंदा प्राइम मिनिस्टर इन कनाडा हिस्ट्री। ये अपने बाप का लीगल बेटा है, बायोलॉजिकल के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रहा, इसका बाप भी बिल्कुल ऐसे था, वो कनिष्क के टाइम एटसेट्रा, ओहो ये तो हिंदुस्तान है, ये तो ब्राउन लोग हैं, शोर मचाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। सर ये नया भारत है सर, प्लीज ये दूसरी गाल नहीं दिखाता, ये ऐसा तमाचा मारता है कि घूम जाओगे। और ये मैसेज जो हमने दिया है कनाडा के साथ जो किया, ये सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, बाकी जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये ब्रिटेन के लिए भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, ये समझ जाओ ये नया भारत है, ये ऐसा मारेगा बहुत चोट लगेगी आपको, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। शिवकांत शर्मा जी, दीपक वोरा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि संबंध बनाने में कई साल लगते हैं लेकिन बिगाड़ने में एक पल लगता है, जिस संबंध को बिगाड़ दिया जस्टिन ट्रूडो ने उसको वापस लाना कितना मुमकिन हो पाएगा, सिर्फ सरकार बदलने भर से संबंध वापस सुधर जाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा, ये संबंध आज का नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी ने, ये संबंध दूसरे विश्व युद्ध के ज़माने का है, जब कनाडा का साथ दिया था भारत ने जर्मनी और जापान के विरुद्ध, कनाडा को ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जड़ जो है वो कहीं और है, इसकी जड़ है अंतर्राष्ट्रीय आपका टेररिज्म कन्वेंशन, आतंकवाद की जब तक आप एक संयुक्त राष्ट्र में परिभाषा तय नहीं करेंगे, जिसके लिए भारत पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा है लेकिन बात ही नहीं बन पा रही है, होता यह है कि हमारा जो आतंकवादी है वो इनका प्रतिरोधी या इनके यहाँ वो फ्रीडम फाइटर बन जाता है, तो ये कौन सी दोगली नीति है कि एक जो संगठन आतंक फैला रहा है, लोगों को मार रहा है, वो आपको जो है वो स्वतंत्रता सेनानी दिखना शुरू कर जाता है। अब देखें ना, दोहरा मापदंड क्या है, आपके तेहरान में आपकी अमेरिका की, अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका और कनाडा इस मामले में एक तरह से मिले हुए हैं, कनाडा में 8 लाख के आसपास सिख हैं और अमेरिका में तो केवल 5 लाख ही हैं, लेकिन कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर स्टेट्स हैं दोनों के, वहाँ इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है और ज़्यादातर सिखों के पास वहाँ ड्यूअल नागरिकता भी है, तो इसलिए अमेरिका में भी अच्छी खासी जब ये लोग सेनेटर्स से या ये कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिलते हैं तो इनको सहानुभूति मिलती है। आपको याद होगा अभी जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडन से मिले थे तो उससे एक दिन पहले बाइडन साहब खालिस्तान के समर्थकों से मिले थे,
ये उसी तरह की बीमारी है जो जो है 10-20 साल पहले चलती थी, जब भारत का कोई भी प्रतिनिधि आता था तो पहले कश्मीरी अलगाववादियों से अमरीकी लोग मिला करते थे। मैं सोचता था कि वो ज़माना बदल गया है, लेकिन वो ज़माना लौट के आ जाता है, और ख़ासकर खालिस्तान के मामले पर वो लौट के आ जाता है, जो बड़ी भारी चिंता की बात है। तो जब तक ये आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं होगी, ये नहीं माना जाएगा कि एक आतंकवादी संगठन सबके लिए आतंकवादी संगठन है, और उसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको उसी तरह से टैकल किया जाना चाहिए, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। अब जो है वहाँ सिनेगॉग पे हमले होते हैं तो इनको हेट क्राइम नज़र आता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब मंदिरों पर हमले होते हैं, मेलविल न्यूयॉर्क में मंदिर पर हमला होता है, सैक्रामेंटो में मंदिर पर हमला होता है, तब इनकी जबान नहीं निकलती, इनसे कुछ नहीं होता है। भारत के वाणिज्य दूतावास पर 2 बार सैन फ्रांसिस्को में हमला हुआ, ये लोग बेनगाजी में हमला हुआ था तो देश पर चढ़ बैठे थे, लेकिन इन्होंने मुंह भी खोला उसको लेकर के। तो ये सारी चिंताएं जो हैं वो तभी दूर होंगी जब आप आतंकवाद की एक मिलजुल बैठ करके एक परिभाषा के लिए राजी होंगे, और उसके उसका हल होना जरूरी है। इससे पर ठीक है, थोड़ी दिन के लिए आप कनाडा से संबंध सुधार लेंगे, अमेरिका से संबंध अच्छे ही हैं, लेकिन इस तरह की किरकिरी आती रहेगी, तो मूल जड़ ये है। इसमें मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी पहलू पे आ जाऊँ, चूँकि मामला जिस स्तर पे जा चुका है और अब दूसरे देश भी इसमें बयान देने लग गए हैं, कि ऐसी हालत में क्या होता है। दीपक वोरा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा फिर से, कि जब कनाडा कह रहा है कि बहुत सीरियसली इन्वॉल्व थे आपके लोग हमारे यहाँ, लेकिन कोई ठोस सबूत देने को तैयार नहीं है, तो तकनीकी तौर पर क्या आगे का रवैया होता है डिप्लोमेसी में? हमने सबसे पहली चीज जो की है, अपने हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को हमने विड्रॉ किया है। सर, हम चाणक्य की संतान है, हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं ये, कि हमने विड्रॉ किया। और फिर ट्रूडो की फॉरेन मिनिस्टर जो बेवकूफ से औरत है, दौड़ी गई, अरे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जल्दी जल्दी उनको एक्सपल्शन का ऑर्डर दो, फिर बैक डेट में वो एक्सपल्शन का ऑर्डर देता है। इस लेवल पे तो ये आदमी गिर चुका, ये तो कैनेडा के चपड़ासी होने के लायक नहीं है। फिर जब हमने विड्रॉ किया, इसका मतलब है अब हमारा राजदूत वहां पर नहीं है और हमारे कई सीनियर डिप्लोमेट्स वहां पर नहीं है। एम्बेसी हमारी जरूर है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी हमने तोड़े नहीं है, लेकिन इतने डाउनग्रेड कर दिए हैं कि अब वीजा नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ट्रेड चलता जाएगा। ये कनेडियन पेंशन फंड्स इन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है सिंगापुर के जरिए, दुबई के जरिए और मॉरिशस के जरिए। और क्यों भारत में इन्वेस्ट करते हैं? सर, हम दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, चीन ने तो 2 झापड़ मार के इनको भगा दिया है। So they will come to us, इनको 15-20% return on investment मिलता है, वो आते रहेंगे। Trade पे कोई असर नहीं पड़ेगा, investment पे कोई असर नहीं पड़ेगा। But हमने जो किया है, downgrading of diplomatic relation, ये इस आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। He did not, और मेरा मानना है, जो मेरे Canadian friends हैं, I'm going to read you a message in a moment, मेरे Canadian friends जो हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि अब इसको अकल आ रही है। One of them, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे साथ कनाडा के एम्बेसडर थे कहीं पे, ये उनका, आई एम रीडिंग आउट द मैसेज, अंग्रेजी में लिखा है, डियर एम्बेसडर दीपक, आई एम सॉरी दैट दिस क्लाउन इज बिहेविंग द वे ही इज। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ये उसका अपना रिटायर्ड राजदूत कह रहा है कि ये आदमी बेवकूफी कर रहा है। ये मुझे लगता है कि सिर्फ आपके पास मैसेज नहीं आ रहे हैं, जो कनाडा के अंदर जो मीडिया हाउसेज हैं, जो पेपर हैं, जो थिंक टैंक हैं, वहाँ भी कुछ उसी तरह के नैरेटिव वहाँ पे बन रहे हैं, जो नैरेटिव बनाने चले थे जस्टिन ट्रूडो, उससे उल्टा यहाँ पे बन रहा है। एक कनाडा का न्यूज़पेपर है द नेशनल पोस्ट, उसने साफ तौर से लिखा कि कनाडा ने अपनी सीमा में सिख एक्सट्रीमिज़म को बढ़ने की छूट दी। वो आगे लिखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है डायस्पोरा पॉलिटिक्स को विदेश नीति को प्रभावित करने की छूट दी। तो इस तरह का बयान अब वहाँ भी निकल करके सामने आने लगे हैं, ऐसे ही दूसरे पेपर जो है इस तरह का बयान कर रहे हैं। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है स्वास्ति राव आपके पास, कि भारत सरकार अब तक मुझे लगता है कि थोड़े से रक्षात्मक मूड में है। वो कह रहे हैं कि आपके लोग इन्वॉल्व थे, हम कह रहे हैं जी नहीं जी, हमारे लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे, हमारे पास सबूत है, हम कह रहे हैं कि नहीं जी आप सबूत दिए नहीं हमको। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस डिफेंसिव मोड में ना आ करके क्यों ना हम ऑफेंसिव मोड में जाएं, हम खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहें कि ये देखो जी, ये अपने नेशनल चैनल पे आतंकवादी को बैठा रखा है, एक सोवरेन कंट्री के खिलाफ हमला करने की धमकी दे रहा है और उस आतंकवादी संगठन को प्रश्रय दे रहा है कनाडा सरकार, आप उस पर प्रतिबंध लगाइए, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्या हमारी ये रणनीति सही नहीं होगी?
आपने भी मेरे को एक डिफ्रेंसिएशन बताया कि हम अभी डिफेंसिव क्यों खेल रहे हैं, हम ऑफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे। तो मुझे लगता है कि भारत का जो रवैया है वो ऑफेंसिव डिफेंसिव के बियॉन्ड एक चीज़ होती है प्रैग्मेटिक, वो है, और उसमें एक बोल्डनेस भी है जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें भारत सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने किसी, जैसे कहा ना कि यू कैन नॉट टेक अस फॉर अ राइड, ये एक मैंने फ्रेज का इस्तेमाल किया था। लेकिन दूसरा एक और बात यहाँ समझने वाली है कि वैसे तो हम बैठ के कोई भी बात कर सकते हैं जिसका एक हरि अनंत हरि कथा अनंता जिसका कोई अंत ना हो, लेकिन देखिए कुछ बातें समझना जरूरी है कि इसी तरीके की इश्यूज हमारे को यूएस के साथ भी आए थे और ऐसे इश्यूज हमें अब कनाडा के साथ आ रहे हैं। अगर आप भारत का रवैया देखें तो इन दोनों दोनों ही जो हमने ये ट्रीटमेंट किया है उन दोनों में फर्क है, और उन दोनों में जो फर्क है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली जस्टिन ट्रूडो का इसमें क्या रोल है। जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि अगर जो जो अलग अलग ये इश्यूज हैं इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच किया है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेटली बात करी भारत से पब्लिकली डिस्क्लोज करने के पहले, उधर जस्टिन ट्रूडो ने वो बिल्कुल पब्लिक हो गए एलिगेशंस के साथ और उन्होंने शुरू से ही डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट कर दिया। तो वो किस प्रकार के एक मिसफिट हैं केवल कनाडा के लिए ही नहीं बल्कि वेस्टर्न अलायंस के लिए भी और G7 के लिए, ये सबको दिख रहा है। तो ये एक चीज है। उसके अलावा एक चीज होती है प्रॉपर चैनल सर। तो प्रॉपर चैनल में अगर आप यूएस के साथ देखेंगे जिस तरह इस केस के बारे में बात हो रही थी उसी दिन एक हाई लेवल की कमिटी भारत से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुई। क्यों? पन्नो के केस से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। कनाडा के साथ हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कनाडा ने शुरू से ही जो मैं कहती हूँ जो रेड लाइन थी डिप्लोमेटिक डिग्निटी की उसको क्रॉस कर दिया। सिमिलरली अगर आप और डिटेल जाके देखते हैं कि अंदर जो एक पूरा इतिहास है ट्रूडो का, जिस तरह से वो खालिस्तानियों को आश्रय देते हैं, इतने सारे वहां पर कनिष्का का जो केस है वो तो सब जानते हैं और ट्रूडो के पिताजी के बारे में भी सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लिबरल राजनीति है कनाडा में और उसका जो डिपेंडेंस है खालिस्तानी पे और जिस तरह से ये पूरा प्लॉय काम करता है, ये बातें मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये सबको समझ में आएगा कि देखिए ये डिफिकल्ट है सबके लिए, यू नो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव्स की सरकार बनती है तो हमारे ये उम्मीद होगी और हमारा ये डायलॉग होना चाहिए कि वो इन के ऊपर एक लगाम कसें। और एक और बात मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म को डिफाइन करने की बात आ रही थी, देखिए टेररिज्म को डिफाइन करने को लेकर तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि जब ऐसे आएगा तो जैसे अगर हम जिसको कहते हैं कि बलोच सेपरेटिज्म है तो फिर हम उसको किस खाके में रखेंगे। तो अल्टीमेटली देखिए टेररिज्म का जो इशू है वो नेशन स्टेट और इनके जो इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है उनसे हमेशा करेगा, मतलब टेंशन में रहेगा। लेकिन हाँ, टेररिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए टेररिज्म का मोडस ऑपरेंडी और मोडस ऑपरेंडी पे एक कॉमन डेफिनेशन हम जरूर कर सकते हैं, और इसका मैं तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ इस सुझाव का और इसको सपोर्ट भी करती हूँ। तीसरी चीज एक और है कि देखिए जिसको हम यहाँ कह रहे हैं कि फाइव आईज हमारे को टॉपल करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं इस बात में जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि देखिए अगर आप फाइव आईज का समूह देखें जो पांच एंग्लोफोन कंट्रीज हैं जिसमें यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसमें से यूएस के साथ, यूके के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ऑलरेडी 2+2 संबंध है, हमारा डीप डिफेंस इंडस्ट्री रिलेशनशिप है। तो अगर हम मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे ये बात कि वी मस्ट टेक दी स्टेटमेंट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आज के डेट में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इनमें से किसी भी देश की काम नहीं करेगी अगर भारत की सेंट्रैलिटी ना हो, और थोड़ा सा अगर आप ईस्ट जाए भारत से तो आसियान देशों की सेंट्रैलिटी ना हो। तो ऐसे में ये बात अपने आप में एक बिल्कुल एक ब्लैंकेट एक्सप्लेनेशन की तरह नहीं लेना चाहिए कि बस वो हमें सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो फिर वो इतना सारा डिफेंस इंडस्ट्री जो सेटअप कर रहे हैं फिर इस सब बातों का कोई तुक नहीं बनता है ना। However, I would be of the opinion के भारत का जो 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 रुख रहा है वो बहुत सही रहा है। भारत ने US के साथ जो फ्रेमवर्क स्थापित किए हैं वो इस बात की पुष्टि करता है कि देखिए भारत आज किसी कोई डिफेंसिव पे नहीं है, किसी से डरता नहीं है, भारत अपने आप में एक परिपक्व वॉइस है, भारत अपने आप में कॉन्फिडेंट वॉइस है, और अगर आप डिप्लोमेटिक चैनल्स की गरिमा के अनुसार काम करेंगे तो हम उन फ्रेमवर्क्स को बनाकर उन पे डिस्कशन कर सकते हैं एक ठंडे दिमाग से। लेकिन कनाडा ने जो किया है, जो मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक रेड लाइन क्रॉस करी है, तो इस वक्त बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि भारत को कहीं पर भी
डरने की जरूरत है। यहाँ पे दुनिया, भारत, इसी बात में भारत का की तारीफ होती है कि इंडिया इज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे अस वर्सेस देम नहीं है, लेकिन कनाडा की जो पोल है उसको इसी प्रकार खोला जा सकता है। जितने कोऑपरेटिव तरीके से भारत और अमेरिका का जो डायलॉग है उसको हम चेज करेंगे, उतने ही तरह से ये बात सामने आएगी कि प्रॉब्लम लाइज विद द कैनेडियंस, द प्रॉब्लम इज नॉट लाइंग विद द इंडियंस। ठीक है, और इस बात को समझाने के लिए भारत को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो जितने देश हैं इन सबकी इकोनॉमिक, अगर आप फ्यूचर देख लें, स्ट्रेटेजिक फ्यूचर देख लें, इंडो पैसिफिक के अलावा सम यू नो ये पॉसिबल नहीं है, और इंडो इनके अपने रिलेशन है, इनके सबको इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। आरती, मैं आपके पास आऊंगा। जो इन्होंने कहा, स्वास्थ्य ने बड़ी अच्छी बात कही कि यूएस के साथ जिस तरीके से ने भारत ने डील किया, एक डिप्लोमेटिक तरीका तौर तरीका होता है और वो तरीका सफल भी रहा, और भारत वही तौर तरीके के दायरे में रहता है जिसके लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन जब सामने वाला यूएस की तरह बिहेव ना करे, सामने वाला पाकिस्तान की तरह बिहेव करे, तो भारत का रुख क्या होना चाहिए? आरती देखिए, भारत का रुख वही होना चाहिए जो हमारा रुख पाकिस्तान की तरफ है, उसमें तो कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। हम लोग अगर हम लोगों ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई है तो हम इतनी क्षमता रखते हैं कि हम जस्टिन ट्रूडो और कनाडा को भी उनकी औकात दिखा दें, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि अगर हमें ये लगता है कि यूएस या चाइना या कोई और सुपर पावर जो है हमको रियायत देगा बिकॉज कोई गुडविल है, तो वैसा है नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में वैसा कुछ नहीं होता है, सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखते हैं। और अगर इंडिया की जो राइजिंग पावर है या एस्पिरेशन है वो हर सुपर पावर को इनसिक्योर करती है, तो वो अपने अपने कार्ड्स खेलेंगे, वो अपने अपने ब्लैकमेलिंग टूल किट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो हम देख ही रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे साथ चाइना का LAC पे स्टैंड ऑफ है, हम ट्रेड कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि US और इंडिया के बीच में पिछले कई सालों में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज को लेकर, सिर्फ कनाडा नहीं, इनफैक्ट कनाडा को लेकर यूएस तो कंप्लीटली जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट आज तो यूनाइटेड किंगडम भी ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है वीजावी इंडिया। लेकिन ये सारे जो दायरे हैं, ये अगर हम इनफैक्ट मैं स्वस्तिक का ही पॉइंट को लूंगी कि बेशक ये कंट्रीज जो है हम लोग एक डिप्लोमेटिक दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हर कंट्री के साथ हम डिप्लोमेटिक टाइज जो है सेवर करें। हर कंट्री की अपनी एक जगह है। कनाडा के साथ इनफैक्ट हमारे लिए वो डिस्पेंसेबल है, पाकिस्तान हमारे लिए डिस्पेंसेबल है, कई सारी कंट्रीज उस दुनिया में है वो डिस्पेंसेबल है, लेकिन जहां हमारे कोर इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए जहां पर इम्पोर्टेंट कोर इंटरेस्ट है वहां पे ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिप्लोमेसी की, वहां पे ऑब्वियसली आप गिव एंड टेक करते, एडजस्ट करते, अपने रिकैलिब्रेट करती है अपने पोजीशंस को। कनाडा के साथ हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, ट्रेड हमारा ऐसा नहीं है कि हम उनके बगैर जी नहीं सकते हैं या उनके बगैर हमारा दुनिया में कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो पोजीशन ली है। बाकी रही डायस्पोरा की बात, इमिग्रेशन की बात, अरे आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जरूरत सारी दुनिया को है, इंडिया को चंद कंट्रीज की जरूरत है, ये मैं मानती हूँ। इसलिए हर कंट्री के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसके पैरामीटर्स, डिप्लोमेटिक पैरामीटर्स अलग अलग करेंगे। बिल्कुल, मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपसे और स्वास्थ्य दोनों लोगों के इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूं कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं, सिर्फ राजनीतिक रिलेशन नहीं, दरअसल उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, ट्रेड रिलेशन होते हैं, इसलिए कोई संबंध सिर्फ कनाडा की वजह से ख़राब कर लेगा हमारे साथ ये संभव होता नहीं है। और ये कारोबारी रिश्ते पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दीपक वोरा साहब और बाकी अपने मेहमानों के पास आऊँगा, और कनाडा से बिगड़ते रिश्ते के बीच कारोबार कैसा रह सकता है और बाकी दुनिया के साथ क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम वो चर्चा कर रहे हैं भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्ते को लेकर के, और जो चुनावी दाव जस्टिन ट्रूडो ने चला है वो कितने सफल हो पाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने ही एक अलग दाव चला है आगे बढ़ करके कि हम क्यों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाएं। तो जब इस प्रतिबंध की बात आई तो मैंने दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते को देख रहा था। तो ये पूरा मामला जो ताज़ा मामला है सितंबर 2023 से मामला है। अगर आप सितंबर 2023 से लेकर के अब तक के देखे ट्रेड के आंकड़ों को, तो दोनों देशों के बीच में कारोबार घटा नहीं, घटना तो छोड़ दीजिए बढ़ा ही है। ये पहले $8.3 बिलियन था जो बढ़ करके $8.4 बिलियन हो गया है। जो मोस्ट 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत और के लिए, कनाडा के लिए भारत है। ऐसे सूरत में ये जो प्रतिबंध लगाने की बात कह रही है, कही जा रही है, वो सिर्फ वैसे दिखावे की धमकी है? वोरा साहब क्या मानते हैं आप? क्या प्रतिबंध लगाएगा? इसके पेंशन फंड्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो दुबई से कर रहे हैं, सिंगापुर से कर रहे हैं, मॉरिशस से, डायरेक्टली कोई कर नहीं रहा। और कौन सा मार्केट है सर 140 करोड़ लोगों का? चीन ने तो जूते मार के भगा दिया इसको, कैनेडियंस को। आपको ये भी याद होगा कि दो उनके लोगों को, माइकल उनका नाम था, उनको अरेस्ट किया था, उनको सजाए मौत सुनाई गई थी स्पाइंग के बारे में। और फिर क्योंकि कनाडा वाले ने अपने चाचा अमेरिका के कहने पर उस औरत को, वो जो हुआ वही की CFO थी, उसको गिरफ्तार किया, और जब उनको सजाए मौत सुनाई तुरंत इन्होंने छोड़ दिया उस महिला को, फिर वो दोनों वापस आ गए। इनमें दम नहीं है, ये समझ नहीं पा रहा है सर कि जमाना बदल चुका है। There will be no consequence. Canada will survive without India. भारत survive करेगा without Canada. प्रतिबंध लगाने लगा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। उम्मीद करता हूं कि जो चार दिन, दो चार हफ्ते जो ये रहेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, कोई ना कोई इसका सलाहकार कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, अब खामोश हो जाइए, क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। आप इन्फ्लेशन देख लीजिए कैनेडा में से, द लेटेस्ट फिगर्स आर प्रोफेसर साहब 22% इन्फ्लेशन। रेंट्स इस साल, क्योंकि बहुत सारे विदेशी आ गए हैं, हैव गॉन अप, वो जो जहां पे हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बाय 80%। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं सर। इन्फ्लेशन इज सर्जिंग, रेंट्स आर गोइंग अप, प्राइसेस आर गोइंग अप। ये चीजों को टैकल कर, भाई एक लेके मुद्दा तो फंस गया। हाँ जी मम्मी, भारत ने मुझे देखो ये किया, वॉट इज ऑल दिस नॉनसेंस, मैच्योरिटी कहां, ही इज एन इमैच्योर गाय। एंड फाइनली जब मैंने शुरू में कहा था ब्रेन ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन सर, कुछ ही महीने हुए हैं, आई वॉजन जोकिंग, कुछ ही महीने हुए हैं अपने पार्लियामेंट में इसने एक 99 साल के व्यक्ति को स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया। अगले दिन पता लगा वो तो नाजी वॉर क्रिमिनल है, नाजी वॉर क्रिमिनल। अब क्या कहेंगे आप इस आदमी के बारे में? सो एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको हमारे मार्केट की जरूरत है जो हम उनसे खरीदते हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत कम है उनके पास जो हमें चाहिए, बिल्कुल उन लोगों के साथ है जहां हमारी जरूरत। यूनाइटेड, फाइनली सर यूनाइटेड स्टेट्स कहेगा जो कुछ कहना है, लेकिन हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं अपनी रिलेशनशिप को। भाई इस बात पे अगर डिसएग्रीमेंट है, लेट अस बिल्ड ऑन द एरियाज ऑफ अग्रीमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, उन सब में बातचीत चल रही है। अमेरिका को भारत की उतनी जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि कनाडा में आर्थिक हालात इतने ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, महंगाई बेकाबू होती जा रही है, वो जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो की बेचैनी उतनी बढ़ती जा रही है। उनको लगता है कोई हथियार नहीं है तो चलो भारत के खिलाफ वाला हथियार चल लो, शायद वहाँ से कुछ बात बन करके आए। शिवकांत शर्मा जी, जस्टिन ट्रूडो सिर्फ खुद नहीं बाकी देशों को भी उकसा रहे हैं कि क्यों ना भारत पर आप प्रतिबंध लगा दें, भारत के कारोबार पर कुछ शिकंजा कसा जाए। दूसरे देश क्या इस तरह के जोखिम मोल लेंगे? क्योंकि जैसा कि दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि भारत जैसे मार्केट को किसी के लिए भी इग्नोर करना आसान काम नहीं होगा। देखिए, 5i कंट्रीज की अगर आप बात करें तो अमेरिका तो खैर उस पोजीशन में है ही नहीं। अमेरिका तो अपने व्यापार का पूरा भविष्य भारत के साथ जोड़ना चाहता है। बाकी उनका अपना जो देश है कनाडा, वो जो भारत के साथ व्यापार है उसमें मुनाफे में चल रहा है। तो ये तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं, अपना पांव ही काटने वाला होगा कि आप मुनाफे के व्यापार को प्रतिबंध लगा करके खराब कर रहे हैं। अभी तो कनाडा जो है ज़्यादा माल बेच रहा है भारत के मुकाबले, तो उसको व्यापार अधिशेष, व्यापार मुनाफा हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है उसको। और बाकी देशों को भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या ब्रिटेन की बात कर लें, तो ब्रिटेन तो कोशिश कर रहा है बड़ी ज़ोर से कि किसी तरह से आप जो है वो व्यापार सौदा जो खटाई में पड़ा हुआ है, वो व्यापार सौदा किसी तरह से हो जाए भारत के साथ, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, बहुत खराब है।
और जो चीज मुझे इन फाइव आईज देशों की टिप्पणियों के बारे में जो चुभती है ना, जब ये कहते हैं कि साहब हमें कनाडा की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा है, इसलिए भारत को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, यही बात उनको भारत के बारे में भी कहनी चाहिए। भारत को अपनी ये कमजोरी दूर करनी होगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि जगतार सिंह जोहाल एक हैं जो आतंकवाद के आरोप में जिनको 2017 में पकड़ा था, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अब आपको 7 साल हो गए, 7 साल से आप उनका केस जो है वो सामने नहीं रख पाए हैं, सबूत नहीं दे पाए हैं। उसका नतीजा ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र से भी इस तरह के बयान आते हैं, अमेरिका से आते हैं, तो पूरी जगह थूथू होती है कि साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने बिना आरोप करके बंदी बना रखा है, आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमें अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसको मुस्तैद बनाना चाहिए ताकि कल को इस तरह का कोई केस हो तो फाइव आई भारत के बारे में भी ये कहे कि देखिए हमें उनकी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल यही बात मैं कहना भी चाह रहा था। स्वास्थ्य राव, जब न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आपके पास 1971 का जो जगजीत सिंह चौहान की बात इन्होंने करी, 9/11 से पहले जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा था जिसमें बब्बर खालसा ने खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ली, वहाँ पर तो अब तक कोई आप जस्टिस दे नहीं पाए और सवाल उठा रहे हैं भारत के ऊपर और कह रहे हैं कि वहाँ के कनाडा की न्याय व्यवस्था में आप भागीदार बनिए, ये तो बड़ा ही बेतुका सा दलील है। स्वास्थ्य हाँ जी, सॉरी मैं म्यूटेड थी। जी, तो मैं ये कह रही थी, लगता है आपने आपको भी आवाज अब आ रही होगी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए इसमें बात यह है कि न्याय व्यवस्था की बात यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए एक तो हमें ये समझना जरूरी है कि असल में बात किस बारे में हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि टेक्निकली स्पीकिंग एक कनेडियन सिटीजन को मारा गया कनाडा में और ये आरोप भारत के ऊपर लगाया गया कि भारत के बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इसमें शामिल है, उन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करी है, तो ये आरोप है। तो जाहिर है जब इस तरीके की बात है तो कनाडा अपने आप को एक विक्टिम की तरह से शो करके और उसको ये सिंपथी मिल रही है, ये पहली चीज़। ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। यहाँ पर मतलब एब्सोल्यूट सेंस में न्याय व्यवस्था की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि कनाडा जो बार बार कह रहा है कि कनेडियन सिटीजन को मारा गया, अब अगर आप उसकी परतें खोलेंगे तो पता चलेगा कि वो किस हद तक कनेडियन सिटीजन है और किस हद तक कनेडियन लाइबिलिटी है या किस हद तक ग्लोबल लाइबिलिटी है, वो अलग बात है। लेकिन ये दूसरा, ये मैं ये कहूँगी कि मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि हमें कनाडा की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ये बात चुभने वाली है। और इसके लिए मुझे लगता है कि इसका जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग जो है वो लाइज इन ईटिंग होना चाहिए। और कई चीजें आप अपनी जबान से नहीं कहते, आप अपने एक्शन से दिखाते हैं। तो भारत को अपने एक्शन से इस बात को क्लियर करना चाहिए कि भाई अगर आप एविडेंसेस ऑन द टेबल रखते हैं तो हम इसके बाद इसका फ्रेमवर्क बना के आगे बात करेंगे, और अगर नहीं रखते हैं तो जैसे कि बाकी लोग कह रहे हैं कि देखिए कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है और कनाडा तो बिल्कुल भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, पर इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी परिपक्व डिप्लोमेसी में बातें इस लेवल तक बिगड़ेंगी। ट्रूडो बेवकूफ की बेवकूफी की बात कर सकते हैं, लेकिन भारत जो है वो बहुत ही परिपक्व एक एक्टर है और एक्टर के रूप में जाना चाहता है, उसकी रेपुटेशन है। तो मुझे लगता है कि भारत में इस वक्त जो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो डिस्कशंस चल रहे होंगे, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो ऑब्वियसली पोस्ट ट्रूडो सिचुएशन को एंगेज करने के लिए चल रहे होंगे, ये एक चीज है। दूसरी चीज देखिए, एक बात और है कि जब ट्रेड के बारे में बात होती है, हालांकि यहाँ पे बताइए आप कुछ कह रहे थे। नहीं प्लीज, आप कंप्लीट ट्रेड की बात कंप्लीट करिए फिर आगे। हाँ, ट्रेड की बात आप कंप्लीट करिए फिर आगे मैं पूछूंगा। जी, मैं बस ट्रेड की बात को ये कंप्लीट कर रही थी कि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके बारे में कई बार हम ये स्टडी नहीं करते कि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस किन से है। अभी यूके के बारे में बात हुई, यूके के साथ असल में हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम यूके को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और यूके से कम इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि ट्रेड और सर्विसेज दोनों है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं कनाडा की, तो अगर 2022-23 का आंकड़ा उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड भी कई साल तक ऐसा है कि वो हमारे ट्रेड सरप्लस में रहा है। तो देखिए इस तरह से कोई भी अच्छे खासे एक $10 बिलियन के वर्थ ट्रेड को केवल इस वजह से नहीं कैंसिल कर देगा कि हम एक फ्रेमवर्क नहीं डेवलप कर पाए, या वहां पे जो लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको नहीं कैंसिल कर देगा कि हम, और अगर आप कनाडा के विद इन जाके, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कनेडियन जो एक्सपर्ट्स इस पे क्या कह रहे हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो वो भी इस बात को क्लियरली कह रहे हैं कि अगर पहली बात तो सैंक्शन इम्पोज करना एक अपने आप में एक तरह का बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें सैंक्शन इम्पोज करने जैसी कोई बात नहीं है।
दूसरा अगर वो करते भी हैं तो जाहिर है कि उनको ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप टोटल ट्रेड को देखते हैं तो पूरे ग्लोबल जो अगर हम इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स के लेवल पे देखते हैं तो वो मुश्किल से 1% भी नहीं है ये पूरा का पूरा ट्रेड, तो ये कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि अगर आप पेंशन फंड्स को देखें तो इसमें जानने वाली बात यह है जिसके बारे में बात नहीं होती है, वो ये कि देखिए जो पेंशन फंड्स, अगर आप एशिया पैसिफिक रीजन में जो कैनेडियन पेंशन फंड्स जो फ्लो कर रहे हैं तो तकरीबन 2019 से 2023 के बीच में आप ये देखेंगे कि वो सारे पेंशन फंड्स जो है वो डाइवर्सिफाई अवे कर गए हैं चाइना से लास्ट 5 ईयर्स में। तो जब हम चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, ये कई सारे इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आखिर कहाँ जा रहा है वेस्ट का, तो उसमें कैनेडा का एक फैक्टर जरूर आता है कि जो कैनेडियन पेंशन फंड्स हैं दे आर नो लॉन्गर गोइंग टू China, but moving to India, Asia Pacific, और जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ा वो है। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये अपने आप में एक और रियलिटी बताती है, जो स्टेट संबंधित रियलिटीज हैं, जो डायस्पोरा संबंधित रियलिटीज हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज हैं, तो इनका भी एक रोल है। और मुझे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत में मुझे बिल्कुल दिखता है, और अगर आप अगर ये भी देखते हैं, अगर आप कैनेडा में जो कंजर्वेटिव जो अपोजिशन लीडर है अगर आप उनके भी स्टेटमेंट्स देखते तो वो भी इस बात को दिखाते हैं कि उनकी बातों में भी एक परिपक्वता झलकती है। बात यह है कि हम अभी इस ट्रूडो केज का जो ये न्यूसेंस है, जो इंटरेग्नम है, इसको हमें मैनेज कैसे करना है, और इसमें मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें किसी को दौड़कर अपनी बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमें एक्शन से दिखाने की जरूरत है, और बाकी जो जियो पोलिटिकल मोमेंट है वो भारत के पक्ष में है। अब इसके लिए कोई दोनों बातें आपने काफी महत्वपूर्ण कही, इसमें सिर्फ यह है कि ट्रेड की जहां तक की बात है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड वैसा कुछ होता नहीं है कनाडा के साथ, वो जो होता है प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रेड होता है, तो उस पर शिकंजा लगाना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाता है। और जो पेंशन फंड है वो एक फंड है, वो अपने जहां रिटर्न बेहतर देखता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहां जाता है, तो वहां भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ आप कर पाएंगे इसकी गुंजाइश भी कम रहती है। यहां पे आरती टिक्कू सिंह आपके पास आऊंगा, चूंकि एक बात और इन्होंने कहा स्वास्थ्य ने कि न्याय व्यवस्था की बात नहीं है, वहां के नागरिक को मारा गया उसमें किसी का हाथ हो सकता है, उस पर जांच करे। मेरा सवाल, मेरा मत थोड़ा सा अलग हटके है, या फिर कहे कि उसमें एडिशन करने का ये है कि ठीक है, आपके यहाँ के नागरिक था जिसको हमने आतंकवादी माना, वो मारा गया, अब हाथ नहीं है उसके या हाथ है इसके ठोस सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसे शख्स को जिसको हमने आतंकवादी घोषित कर दिया है, ऐसे शख्स को जिसके संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया है, वो आपकी धरती पर भारत विरोधी गतिविधि चलाएगा, वो भारत जो एक सोवरेन कंट्री है, वो भारत जिसके साथ आपके एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो वहां तो आप कटघरे में आएंगे। आरती, देखिए लक्ष्मण जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूरे डिबेट का है तो यही है। इनफैक्ट शिवकांत जी ने इसके बारे में पहले कहा कि टेररिज्म की डेफिनेशन, जिसको हम टेररिस्ट मानते हैं वो उनके लिए एसेट है, और लगातार हमने देखा है वो जम्मू कश्मीर हो, वो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट हो, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस, वो इनफैक्ट हमें मालूम है कि CIA की फंडिंग की वजह से वो मूवमेंट्स क्रिएट किए गए, वो अफगानिस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, पूरा इनफैक्ट अगर आप थर्ड वर्ल्ड देखें पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो जितनी भी गुरेला मूवमेंट्स चले, जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चले, जिनको हर कंट्री ने अपनी अपनी कंट्री में अपने अपने सेपरेटिस्ट को सब लोगों ने टेररिस्ट ठहराया, तो इस पे तो कभी भी यूनिवर्सल डेफिनेशन आ ही नहीं सकती, कंसेंसस आ ही नहीं सकता, जब सुपर पावर्स अपने एसेट्स को टेरर कराने के लिए फैलाए। दूसरी बात, कल को इंडिया अगर इस पोजीशन में आ जाता है, इतना बड़ा पावर बन जाता है कि हम लोग भी सब कन्वेंशनल वॉरफेयर इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ, तो उस वक्त हम कटघरे में खड़े होंगे। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि इंडिया विक्टिम रहा है आतंक का, और ये आतंक हमेशा से डे वन से जो है ये स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान से, US से और 5 Eyes से। तो इस पे मुझे लगता है कि सब दुनिया में सारे देशों ने इसको इंटरनलाइज कर लिया है, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया है कि बड़े देश जो है जिनके पास पावर है ये इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अब आती है बात कि कनाडा में खालिस्तान, जो खालिस्तानी जो स्पॉन्सर हुए हैं इतने सालों से, जिनको इतनी शय मिली है, रेफ्यूज मिला है, क्या
सडनली ओवरनाइट थोड़ा सा वक्त कम है, अगर आप इजाजत दें तो हम लोग संक्षिप्त में कि क्या ओवरनाइट हम लोगों को वो जो खालिस्तान यूएस और कनाडा में ओवरनाइट हमारे को वो आतंकी दिख रहे हैं, वो तो पिछले 40 साल से थे। मुझे लगता है इंडिया को भी कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, या मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में एविडेंस कनाडा ने प्रोवाइड किया है हम लोगों को, कोई ऐसा एविडेंस है उनके पास जिसमें ये दिखाया जाए कि इंडियन स्टेट ने स्पॉन्सर किया निजर की असैसिनेशन। सो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया को भी कहीं ना कहीं अपने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम लोगों को ये सारे जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट आपके सवालों का स्पॉन्सर हो रही है। बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अब वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चला है। दीपक वोरा साहब भी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बिल्कुल इजाज़त समय नहीं दे रहा है और शो का समय यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तो जाहिर तौर पे जो कनाडा की रणनीति है वो बहुत सफल होने वाली नहीं है, लेकिन भारत को भी अब थोड़ा सा एक रवैये में बदलाव लाना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के पास अपनी बातों को और ज़्यादा मजबूती के साथ रखा जा सके। फिलहाल कर दीजिए इजाज़त, नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।